हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि आज है डिटरमिनर्स की क्लास। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहां पर सारे डिटरमिनर्स विद एग्जांपल्स और बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर, एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में क्या डिफरेंस है, है ना। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि कल अपनी 9 बजे अनअकैडमी पर क्लास है कॉमन एरर्स की, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी कर लें, और अनअकैडमी पर आपको मिलेगी बहुत सारी क्लासेस मेरी और भी कई सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी। और यदि आप अनअकैडमी पर पहली बार आएंगे तो आपको क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड EP10, इससे आपकी क्लास हो जाएगी अनलॉक। यदि आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इस कोर्स से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त करेंगे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज में। तो चलिए आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि डिटरमिनर्स इन इंग्लिश ग्रामर, डिटरमिनर्स होते क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स। तो देखिए, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जिनका हम डिग्री में यूज करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहले मान लो कि जिस वर्ड की हम डिग्री बना सकते हैं, डिग्री इंग्लिश में 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूँ बिग, ठीक है, बिग। अब बिग को हम कैसे और लिख सकते हैं, बिगर कर सकते हैं कि नहीं, बिगेस्ट। तो ये क्या है, ये आपका जो बिग वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि डिग्री एडजेक्टिव की बनाई जाती है, डिटरमिनर्स की डिग्री नहीं होती। या सिंपल वे में बोलें कि इन जो वर्ड्स हैं हमारे, इनको हम सेंटेंस में अन्य तरीके से इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसमें कोई भी प्रफिक्स या सफिक्स लगा के हम नया वर्ड नहीं बना सकते। लेकिन एडजेक्टिव में प्रफिक्स या सफिक्स लगा के नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, उनकी डिग्री बनाई जा सकती है। जैसे बैड को हम सफिक्स इसमें लगाएं तो क्या ले सकते हैं, बैडली, LY सफिक्स लगा के हमने उसे क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया। क्लियर है ना। तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये समझो कि एडजेक्टिव की डिग्री बनेगी, एडजेक्टिव में हम प्रफिक्स और सफिक्स लगा करके नए शब्दों को बना सकते हैं, वह डिटरमिनर्स में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनर्स की बात करते हैं तो जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, आर्टिकल्स ए एन द, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब के सब आपके, एक मिनट, थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं है इसका, कलर थोड़ा वाइट ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर आर्टिकल्स, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके डिटरमिनर्स होते हैं, क्या होते हैं, डिटरमिनर्स। इंग्लिश में आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो आपका क्या है, द, ठीक है, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल आपके 2 हैं, जो है आपके ए और एन। ये 2 तरह के आर्टिकल्स इंग्लिश में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। व्हाट ए एंड द आपके क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। आर्टिकल्स आपके डिटरमिनर्स होते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स मतलब आप लोगों ने पजेसिव फ्रेज देखे ना, प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव फ्रेज आपके बनते हैं। जैसे आई का पजेसिव फ्रेज माई, वी का पजेसिव फ्रेज आवर, ही का पजेसिव फ्रेज हिज, सी का हर, है ना, दे का देयर, यू का योर, एटसेट्रा, इस तरह से। तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, दीज आर द पजेसिव एडजेक्टिव्स। लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी हैं, याद रखिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स आपके क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव्स भी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटरमिनर्स की, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव है या फिर आपका प्रोनाउन है, तो इस तरह से देखें। जैसे हमने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक,
दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव यहां पर प्रोनाउन है, इसके बाद देखो सीधा वर्ब लगा हुआ है, तो ये आपका प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें अपना कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आपका नाउन आए फिर आपकी वर्ब आए, तो फिर ये आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे, जो कि आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, ठीक है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आपके कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आपके क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव्स, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव्स में सम, याद रहे कि इनके बाद जो भी नाउन यूज होंगे ना, वो सामान्यतः कैसे होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। कैसे होंगे? अनकाउंटेबल नाउन, तभी क्वांटिटी बताएंगे। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो जाएंगे तो फिर ये न्यूमेरल्स में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये सब न्यूमेरल्स में। तो जैसे क्वांटिटेटिव्स आपके क्या होते हैं, सम, एनी, लिटिल, मच, नो, इनफ, ऑल, होल, एटसेट्रा। तो ये सारे वर्ड आपके क्या हैं, क्वांटिटेटिव्स हैं, जो कि डिटर्मिनर्स हैं। सारे वर्ड आपके क्या हैं, डिटर्मिनर। अब यहाँ लिटिल की बात करें तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये तीनों वर्ड आपके आएंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर में आपका न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स। यहाँ पर न्यूमेरल्स होंगी, काउंटिंग होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इसके बाद आपका एक नाउन भी आएगा, इस बात को याद रखना है। इन सभी के बाद, इसके बाद भी आपके नाउन आएंगे, इनके बाद भी नाउन आएंगे, तभी ये एडजेक्टिव्स बनेंगे, तभी ये डिटरमिनर्स बनेंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 1, 2, 3, ऑल। अब ऑल के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इनके बाद भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, नो, सम, सेवरल, मैनी। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। सिंपल है। तो सबसे पहला आपका जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्या होते हैं आपके, डिटर्मिनर्स हैं। पजेसिव्स आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं आपके, डिटर्मिनर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव्स आपके डिटर्मिनर्स हैं। न्यूमेरल और न्यूमेरल्स भी आपके क्या होते हैं, ये सब आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। क्लियर है? तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में लिखें। अब इससे आगे हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए क्लास में अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस आपके डिटर्मिनर्स के यूज यहाँ पर रॉन्ग हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इनके आंसर भी बता सकते हैं, और हम साथ ही साथ आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप इन सेंटेंस को कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, माई ऑल फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। अब इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या मिस्टेक है? तो मिस्टेक ये है कि ऑल, ठीक है ना, ऑल के बाद डिटर्मिनर आता है, उसके बाद आपका नाउन का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है यहाँ पर, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। राइट आंसर हो रहा, ऑल माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो रॉन्ग है, ये आंसर आपका राइट। सेकेंड है, लिटिल मनी इज बेटर देन नन। तो इस सेंटेंस में भी जो डिटरमिनर का यूज हो रहा है ये रॉन्ग है। अब दो डिटरमिनर यूज हुए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिटरमिनर आपका क्या है, लिटिल, ये नन डिटरमिनर नहीं, यहाँ पर आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। बताइए राइट आंसर बोले क्वेश्चन नंबर टू में कि सेंटेंस को राइट कैसे करें। अब देखिए नन का मतलब होता है ना के बराबर, दूसरा आपके एक वर्ड है लिटिल, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, ठीक है। अब लिटिल मींस होता है ना के बराबर, यानी इसका जो सेंस होता है वो निगेटिव है, यानी पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर सकते। यानी निगेटिव का निगेटिव में कंपेरिजन कैसे करेंगे, अ लिटिल मतलब होता है आपका सम, ठीक है ना। अ लिटिल मीन्स क्या हो रहा, सम। तो यहां पर जो राइट आपका लिखेंगे वो लिखेंगे कि अ लिटिल मनी इज बेटर देन
बेटर देन नन, ये है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई हैव नॉट सम मिल्क, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब इसमें क्या है, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है नेगेटिव और यूज हो रहा है यहाँ पर डिटरमिनर सम। तो सम का यूज नॉर्मली हम कहाँ करते हैं, तो सम का यूज सामान्यतः किया जाता है पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, एंड एनी का प्रयोग करेंगे नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ठीक है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो एनी का यूज, और पॉजिटिव है तो सम का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए, तो अब हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में यहाँ सम के स्थान पर डिटरमिनर राइट लिखना है कि आई हैव नॉट एनी मिल्क, ये आपका है राइट। ठीक है, तो सम के स्थान पर आपको एनी का प्रयोग करना है और सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर नंबर का सेंटेंस कि आई हैव नो एनी फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी आपका गलत है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम यह दिखी कि यहाँ पर यूज हुआ है नो, नो का मतलब ही होता है नॉट प्लस एनी, यानी जिस सेंटेंस में नो लगा है उसमें एनी का यूज नहीं हो रहा बल्कि निगेटिव नॉट एडवर्ब लगा के आप एनी डिटरमिनर का यूज करेंगे। ठीक है, तो नो के साथ एनी नहीं आएगा, आप इसे क्या ले सकते हैं, आई हैव नो फ्रेंड, ऐसे आप ले सकते हैं आई हैव नो फ्रेंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, दूसरी चीज ये आप कर लो कि नो, नो के बाद आपका नाउन यूज हो जाएगा, लेकिन नन, लेकिन नन और नन के बाद आपका नाउन नहीं आएगा, इस पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, आई हैव नो फ्रेंड्स, यानी एनी के स्थान पर एनी को आप हटा देंगे और नो के साथ आप नाउन का यूज यहाँ करके ले सकते हैं। फाइव नंबर का है ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर हियर, यस, तो इसको हम राइट कैसे लिखेंगे कि All the members of my family, all the members of my family are here. ये करेक्ट आंसर होगा, ये all my family members, इस तरह से आपका ये राइट नहीं होगा, ये आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से आप डिटरमिनर का यूज करेंगे all the members of my family are here. तो आज की क्लास में इतना ही, आई होप कि आज ही डिटरमिनर्स की क्लास आपको समझ में आई होगी कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है। और कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए अगले दिन क्लास जरूर दूंगा। जो भी डाउट्स हों बिल्कुल पूछ लेना कमेंट के माध्यम से। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ हिट द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।